और मकान दे दिए हैं पक्का मकान के नाम पर, राशन कार्ड भी छीन रहे हैं। पक्का मकान के साथ साथ अगर किसी के पास बाइक है तो अपराध हो गया है। अभी तक जो सरकार का रवैया है वो बेहद शर्मनाक है। ना तो जिला प्रशासन कहीं कुछ कर रहा है, ना मुख्यमंत्री के लेवल पर कोई बात है। उनके उनकी ज़मीन, उनके रोजी रोटी तो पहले ही ख़त्म हो रही थी, अब तो ज़िंदगी चली गई। तो ये बेहद हम शर्मनाक स्थिति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। CPIML के नेता दीपांकर भट्टाचार्य का एक बार फिर से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर जमकर गुस्सा फूटा है और कहते नज़र आ रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से विफल है। बिहार की जनता, देश की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और सत्ता पक्ष के लोग चैन की नींद सो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि छोटे जो कर्जधारी हैं उनका कर्ज माफ़ होना चाहिए और केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी इस पर पहल करनी चाहिए, मगर सरकार अब दोहरी नीति अपना रही है जहां सरकार को देश की जनता के साथ खड़ा होना है, वहीं गरीब जनता का राशन कार्ड भी छीना जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर भट्टाचार्य, सबसे पहले आप वो सुनिए। ये नीतीश जी के साथ निश्चय ये सब उस घर तक नहीं पहुँचा, वो घर के बाहर सब रहे, सारी घोषणाएं ठप। और ये हर जगह ही तस्वीर, कुछ दिन पहले समस्तीपुर के रोसरा में एक सफाई कर्मचारी की पुलिस ने हत्या कर दी थी, राम सेवक राम, वहाँ भी हम लोग पहुँचे थे। तो राम सेवक राम के घर का जो पूरा माहौल था, जो घर की स्थिति थी, और मनोज झा के घर की जो स्थिति है, बिल्कुल एक। वहाँ कहीं किसी के पास कोई पक्का मकान नहीं है। और जो हमारे प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, नीतीश जी दावा कर रहे हैं कि हम सबको मकान दे रहे हैं, और मकान दे दिए हैं पक्का मकान के नाम पर, राशन कार्ड भी छीन रहे हैं। राशन कार्ड जो छीना जा रहा है उसमें जो बातें हैं, उसमें पक्का मकान होना ये गुनाह है। पक्का मकान के साथ साथ अगर किसी के पास बाइक है तो अपराध हो गया है। तो अब उनके राशन कार्ड छीना जा रहा है। तो हमें लगता है कि राशन कार्ड रद्द करने वाली जो मुहिम है, तत्काल इस पर रोक लगे। सारे रद्द किए गए जो गरीबों के राशन कार्ड है उसको वापस किया जाए, और इस समय फूड सपोर्ट और इनकम सपोर्ट इसकी ज़रूरत है। तो कर्ज माफ़ी, कर्ज मुक्ति और इनकम और राशन की सपोर्ट गरीबों के लिए। तो हमें लगता है कि ये युद्ध स्तर पर सरकार को इसका मुकाबला करना चाहिए। अभी तक जो सरकार का रवैया है वो बेहद शर्मनाक है। ना तो जिला प्रशासन कहीं कुछ कर रहा है, ना मुख्यमंत्री के लेवल पर कोई बात है, और लग रहा है कि ये कोई बात ही नहीं है, ये बिहार के लिए एक आम बात है। तो इसलिए बहुत ही हमें लगता है कि जितना भी इस पर आप लोग लिखें वो कम होगा। एक बहुत संवेदना के साथ और जांच पड़ताल के साथ हम लोगों को इस पूरे एक सामाजिक आर्थिक संकट है बहुत बड़ा, और ये सामाजिक आर्थिक संकट एक परिवार को ख़त्म कर दे, 5-5 लोग, पूरा परिवार ख़त्म, उनके उनकी ज़मीन, उनके रोजी रोटी तो पहले ही ख़त्म हो रही थी, अब तो ज़िंदगी चली गई। तो ये बेहद हम शर्मनाक स्थिति है बिहार की। तो आपने सुना दीपांकर भट्टाचार्य को किस तरीके से केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार पर गुस्सा फूटा है। साफ लफ्ज़ों में कहते नज़र आ रहे हैं कि अब सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ खड़े नहीं नज़र आ रहे हैं। जहां गरीबों के साथ सरकार को खड़े होना चाहिए, छोटे कर्ज माफ़ करने चाहिए, वहीं अब गरीब जनता से राशन कार्ड भी छीना जा रहा है। खैर, लाइव स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।